हम यहाँ पर आपको सेब के बगीचे दिखाते हैं। ये देखिए सेब लगे हुए हैं, इधर भी सेब है। हम यहाँ गंगोत्री में ईसावास्य आश्रम में रुके हुए हैं और ये रूम। हम हरसिल पहुँच चुके हैं और यहाँ पर भी गंगा जी का खूब बड़ा पट है, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ बहुत तेज हवा चल रही है और ये है हरसिल, जिसको कि उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड बोलते हैं। और ये गंगोत्री से 25 किलोमीटर पहले पड़ता है, आपको जय माँ गंगे हर हर गंगे। ये देखिए कितने तेज बहाव है गंगा जी का यहाँ पर। आप देखेंगे चारों तरफ सेब के बगीचे हैं यहाँ पे हरसिल में। अभी हम आपको और अंदर ले चलेंगे सेब के बगीचे में। यहाँ देखिए सेब लगे हुए हैं, सब ये देखिए सेब लगे हैं। ये हरसिल धराली है, सब जगह पे सेब के बगीचे रहते हैं। अब हम जा रहे हैं माता जी के मंदिर में, देखते हैं कौन सी माता जी है। जय माता दी। यह हरसिल में रिंगाली देवी मंदिर है और कितना बड़ा आप देखेंगे देवदार का वृक्ष। ये माँ का मंदिर है, अभी तो बंद है मंदिर, बाकी अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह। फूल देखिए कितने खूबसूरत फूल खिले हैं यहाँ। हम यहाँ पर आपको सेब के बगीचे दिखाते हैं। ये देखिए सेब लगे हुए हैं, इधर भी सेब है, चारों तरफ सेब ही सेब है यहाँ। और फूल देखिए कितना बड़ा फूल है। कहाँ चले गए, सेब के बगीचे देख लिए? ये पूरा सेब के बगीचे हैं, अभी हरे हरे सेब हैं पूरे। ये देखिए ये कितना खूबसूरत गुलाब लगा हुआ है। ये पानी आ रहा है और यहीं से पानी देते हैं। ये देखिए कितने सारे सेब लगे। पूरा ये सेब के बगीचे। ए भाई चलो, ये तो बोलेंगे कौन से चोर घुस गए मेरे बगीचे में।
अब हम पहुंच चुके हैं गंगोत्री धाम। यहाँ पे गंगा जी का बहाव देखिए कितना तेज है। हम यहाँ गंगोत्री में ईसावास्य आश्रम में रुके हुए हैं और ये रूम, इसमें 6 बेड लगे हुए हैं डॉर्मेट्री, तो यहीं पे रुके हुए हैं ईसावास्य आश्रम में। ज़्यादा बहाव है गंगा जी में, पूरा ये जो स्नान घाट था पूरा ये टूट गया है। देखिए सामने कृष्णा आश्रम, फिर ईसावास्य आश्रम, अब चलते हैं मंदिर में दर्शन कर लेते हैं पहले। जय गंगे मैया, जय गंगे मैया, जय गंगे मैया, जय गंगे। यहाँ दर्शन हो गए हैं गंगा माता के और अभी हम ऐसे ही किनारे किनारे जा रहे हैं तो यहाँ पे पूरे सारे घाट टूट गए हैं और कृष्णा मंदिर में चार्ज किया, आवाज़ नहीं आ रही होगी। आ जाओ महाराज, आ जाओ। ये पूरा शिवानंद आश्रम है, ये पूरा टूट गया है। अब की बार गंगा जी यहीं से निकली और सबको लेकर के चली गई। पूरा टूट गया है, पूरा खंडहर बन गया है। कितने महीने से बनाए होंगे कोई।